हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, वीडियो का टाइटल है मोरम कमल लोचन देवश्री गोगोई वेदांत विदिशा नयन ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो, ये वीडियो का टाइटल है। और वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। तो इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। लेट स्टार्ट। স্মৃতিবোৰ ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠাৰ দৰে, প্ৰথমটো পঢ়িলে দ্বিতীয়টো, দ্বিতীয়টো পঢ়িলে তৃতীয়টো, আৰু তৃতীয়টো পঢ়িলে মৰমে প্ৰাণ পাই উঠা জীপাল কাহিনীবোৰ এই ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠাৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ আছে। আচ্ছা, মতলব ইয়ে ডায়েৰী মে লিখা হে ৱো উনকো পঢ়তে অৰ উনকো য়াদ আতা হে। मैम बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। लहे लहे बरियो और सिंगर की आवाज दिल को सुकून देने वाली है। যদি কুয়া রই যোয়া, যদি কুয়া লই যোয়া, उसको लगा कि वही आ गए वहां पे। রুসি উরে রাতি রাতি wow.
म्यूजिक और क्या आवाज है दोनों की। तुम्हार सुख जूरी बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। আৰু লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকিল আমাৰ মৰম। এই মৰম এদিন জীয়াই উঠিল। আজি তাই বহু ডাঙৰ হ'ল। লাহে লাহে বাঢ়ি অহা প্ৰণয়ৰে বাখনা আৰে আৰে সুৱা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এটা ছং बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग था। मैं किस वर्ड्स में इनकी तारीफ करूं। इतने ब्यूटीफुल म्यूज़िक, इतनी ब्यूटीफुल मेल और फीमेल सिंगर की आवाज़, क्या म्यूज़िक था। पहले तो बात करूंगा म्यूज़िक और इन दोनों के सिंगिंग की। इतनी ब्यूटीफुल उन्होंने गाना गाया है और उस म्यूज़िक और उन दोनों की आवाज़ डायरेक्ट कानों से दिल तक उतर रही थी और खुद अपने आप को वहाँ पर आप इमेजिन करने लगते। इतनी ब्यूटीफुल लव स्टोरी है, जैसे दोनों डेटिंग करते हैं उसके बाद शादी करते हैं। वो इतना ख्याल रखते हैं उनका कि जैसे वो उनके जैसे कोई गर्ल्स जहाँ पे उनका ऑफिस होते है वहाँ पे आ जाती है, तो वो वहाँ पे जाते हो फिर देखते कि दूसरी कोई है। फिर जैसे उनको धक्का लगता है किसी और का, तो जैसे वो देखते हैं उनकी तरफ, वो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और मैम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। काश है कि ऐसे सबकी लव स्टोरी हो और सबकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुली गुजरे। जहाँ पे मैं भी इमोशनल हो गया वो वाला सीन, जैसे उनको उल्टी होती है और उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उनको जिस तरीके से आके बताती है, उनके आँखों में आंसू थे और वो उनका हाथ पेट पे लगाती है तो वो भी समझ जाती है। और जैसे उनके हाथ में बिस्किट था, पहले वो बिस्किट उनको खिलाते और ख़ुद भी खाते और बहुत शर्माते। उस वक्त मेरे आँखों में आंसू आ गए क्योंकि वो वाला पल बहुत इमोशनल करने वाला होता है किसी भी हस्बैंड वाइफ को या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जो बहुत ही गहरे रिलेशन में होते हैं। और जैसे इस सॉन्ग की एंडिंग दिखाई है, बहुत ही ज़बरदस्त था। मतलब आप इतनी प्यारी लाइफ है जैसे इस सॉन्ग में दिखाई है, वैसी लाइफ हर किसी की हो, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इतनी प्यारी लाइफ हर किसी की, जितने भी लोग हैं सबकी हो और सबको भगवान इतनी प्यारी लाइफ दे। अब बात करूँगा इन दोनों के एक्टिंग की। मैं दोनों के एक्टिंग का फ़ैन बन गया हूँ। जो फीमेल एक्टर है उनकी एक्टिंग हो, मेल एक्टर है उनकी एक्टिंग, उनके फेस के एक्सप्रेशंस, और जैसे यहाँ पे लोकेशन हो या फिर कॉस्ट्यूम्स, और जैसे बहुत हार्ड वर्क है यहाँ पे, कैमरा एंगल्स जिस तरीके से यूज़ किए गए हैं, तो डायरेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त रहा है। म्यूजिशियन का भी, म्यूजिक डायरेक्टर का भी बहुत ही ज़बरदस्त काम रहा है। सबको बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग बनाया आपको, आप लोगों ने। जैसे बॉलीवुड के सॉन्ग मुझे आज फीके लगने लगे जैसे मैंने ये सॉन्ग देखा है। बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग था फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा आप भी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम भी फिर से अच्छे अच्छे सॉन्ग्स पर रिएक्शन दे सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।